हाँ, वेलकम टू अवर पीसीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी अभी एरिया अंडर द कर्व देखा, वो सारे सिंपल, जितनी भी कर्व होती है वो सारी सिंपल थी, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि दो कर्व आपके पास हो या दो से ज़्यादा आपके पास कर्व हो, तो उनके बीच में अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे आप निकालोगे। तो देखो जरा मेरे साथ आप लोग, कि जैसे मान लो मैं ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए, कि एक आपको एफ एक्स दे रखा है ऐसे, और एक जी एक्स दे रखा है, ये एफ एक्स है, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है ना। और एक ये आपके पास जी एक्स है, ठीक है ना, ये जी एक्स फंक्शन है और ये आपका एफ एक्स फंक्शन है। ये दो फंक्शन है आपके पास, ये दो फंक्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। मान लो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को ऐसे काटते हुए जाते हैं, तो इनके अंडर में जो एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो इसी को मैं दो में डिवाइड कर देता हूँ पहले, और ये मैं मान लेता हूँ आपके पास क्या है, ए टू बी है ना, ये ए दे रखा है और आपको ये बी दे रखा है। तो ढंग से फील करते हैं इस चीज़ को। तो देखो पहले आपको दे रखा है ये, यहाँ से लेके ए से बी तक ये एफ एक्स है, मतलब ये दो कर्व है आपके पास, ये एफ एक्स दे रखा है आपके पास। तो एफ एक्स के अंडर में आप निकालोगे तो ये एरिया आएगा आपका, क्या होएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। और दूसरा अगर मैं जी एक्स को बनाता हूँ, तो जी एक्स के अंडर में आपके पास क्या आ जाएगा, ये जी एक्स है आपके पास ए से बी के बीच में, ये जी एक्स है और इसके अंडर में आपका ये सारा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए से बी जी एक्स, ठीक है। अब इन दोनों कर्व का आपको एरिया निकालना है, कंबाइंड एरिया। तो क्या होगा, कॉमन एरिया इज, ढंग से देखोगे तो अगर आपको ये निकालना है तो मैं कहूँगा एफ एक्स वाला जो सारा था ये सारा, ठीक है, उसमें से हम लोग जी एक्स वाला ये नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो इतना बचेगा सिर्फ, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन ए टू बी एफ एक्स में से आप जी एक्स माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। तो ऐसे आप बना सकते हो किसी भी कर्व के लिए। जैसे अगर मैं एक और बनाता हूँ आपके लिए, मान लो एफ एक्स आपको कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स आपको कुछ ऐसा सा दे रखा है, यहाँ से शुरू करा, और जी एक्स आपको ऐसा दे रखा है, ये जी एक्स है, ये आपका जी एक्स है, ये जी एक्स ही मान लो, और ये आपका एफ एक्स है, ठीक है। अब इसको समझोगे तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर आपके पास एक ये पॉइंट आ रहा है, ये दोनों को सॉल्व करके आएगा, एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये सारा एरिया आएगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे एरिया निकालोगे, तो इसका एरिया जब निकलेगा तो कैसे लोगे, एरिया इज इक्वल टू पहले ए से बी एफ एक्स में से जी एक्स माइनस हो जाएगा, फिर प्लस बी से सी, ये जी एक्स है और ये एफ एक्स है ना, तो इसमें जी एक्स में से एफ एक्स माइनस होगा क्योंकि ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो अब आप इसमें लिखोगे जी एक्स माइनस एफ एक्स, और देन उसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे, तो ये आपका कर्व का एरिया आ जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, पहले आप ये देख लो। हाँ, तो अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी टॉपिक पे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स के ऊपर। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ ले रखा है मैंने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास। तो ये दो पैराबोला आपको दे रखे हैं, ठीक है, थीके? तो दोनों पैराबोला को हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ वाई की पावर वन है और यहाँ एक्स की पावर वन है, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। चलो आओ, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बना लो एक, ये बन गया, ठीक है, और ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आपके पास क्या है, जैसे ये x की पावर वन है तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बन जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पर बना दी। तो इन दोनों को जो काट रही है वो रीजन आपका ये हो जाएगा। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा फेयर बना लेता हूँ, अच्छे से बना लेता हूँ ऐसे। तो एक तो आपका ये पार्ट है, ठीक है, और एक आपके पास ये पार्ट है, ठीक है ना, ये पॉइंट दोनों के बीच में आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पैराबोले में से ये वाला माइनस करूँगा। ये कौन सा है, एक्स की पावर वन वाला, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर, पहले वाला लिख लो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, और ये वाला है आपका एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। अब मेरे को ये पॉइंट पता करना है, तो दोनों को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यस,
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों को आपस में आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू ये यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है और y इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की पावर 4 हो जाएगा। तो अब इसको उधर ले जाओ, तो एक्स फोर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो x कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो x और इसको करोगे और, तो x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस वन, ये फार्मूला लगा दिया मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका। तो x ये तो d इसका लेस देन जीरो, तो यहाँ से x आएगा नहीं, तो x की वैल्यू जीरो हो सकती है इससे और x की वैल्यू वन आ सकती है। तो क्लियरली दिख रहा है ये जीरो पे काट रहा है और ये वाला पॉइंट आपका वन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब एरिया निकालते, तो एरिया कैसे निकलेगा बेटा देखो, तो हम बोलेंगे एरिया इज जीरो से लेके वन ऊपर वाला कर, मतलब आपको क्या दोगे यहाँ पर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, तो रूट x है आपके पास y, तो बोलो क्या आएगा, तो y इज इक्वल्स टू, मतलब y dx ना लिख के सीधे लिख रहा हूँ, रूट एक्स डी एक्स, अच्छा, और नीचे वाला सब्ट्रैक करूँगा क्योंकि हमें ये रीजन निकालना है, तो ऊपर वाले में से सारा माइनस, ये वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये सब्ट्रैक करेंगे इसके नीचे वाला, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, सीधे लिख रहा हूँ, इंटू डी एक्स, ये एरिया आ जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है आपके पास, तो बस बेसिक सॉल्व करना है। तो x की पावर 3 बाई टू और x की पावर 3 बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, एक बार जीरो एक बार वन, तो जीरो रखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो वन रख दो सीधे, तो कितना आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 2 बाई थ्री, वन की पावर 1 बाय 3 बाई टू माइनस वन का स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो को लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो कितना हो जाएगा 2 बाय थ्री माइनस वन बाय टू, तो एलसीएम ले लो 6, ये इधर 4 माइनस 3 1 बाय 6 नेगेटिव आता तो भी हम लिख लेते कुछ ना कुछ, तो स्क्वायर यूनिट ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों को चेक करना है, ठीक है, जो जो हम लोगों को दिख रहा है वही चीज़ देखना है हम लोगों को। एंड द इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल दिस वन एंड द पैराबोला दिस वन, तो ये पैराबोला की एक्स की पावर 1 है, ये तो बना दिया, बस सर्कल को थोड़ा सही से लिखना हम लोगों को। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सर्कल को थोड़ा सा देख लेता हूँ। याद रखना जब भी हम दो कर्व बनाते हैं, एरिया बिटवीन टू और मोर कर्व हम लेते हैं, तो उनमें वो हमेशा एक दूसरे को काट रहे होंगे, तो काट रहे होंगे तो उनमें पॉइंट सेटिस्फाई करवाने होंगे और हम एक दूसरे की वैल्यू डाल के सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ से अभी मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ, तो देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ग्राफ तो हम बना ही लेंगे बाद में, ये वैल्यू यहाँ डाल दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले 4x और ये 8x इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, बस इसको उधर ले गया ना इसको भी, और इसके बदले 4x लिख दिया वाई स्क्वायर के बदले, तो x माइनस 4, तो x की वैल्यू एक 0 पे काट रहा होगा और x की वैल्यू 4 पर काट रहा होगा, तो इन दो पॉइंट्स पर वो आपको काट रहा होगा फंक्शन जैसा भी। अब पहले पहला जो सर्कल हमारे पास है, इसमें हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि क्या सेंटर है और क्या इसका रेडियस है, तो मैं इसको पहले उधर ले जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर देता हूँ इसमें, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या कहता है, इसके आगे जो भी है उसका हाफ हमें कर लेना है, जो कि 4 है वही सब्ट्रैक्ट और ऐड करना होता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपके पास आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 उधर ले गया। तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास जनरल, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो h कोमा k इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो कितना हो जाएगा सेंटर हमारा 4,0, ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास एक ये पैराबोला है और एक ये सर्कल है, ठीक है। तो पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, सर्कल बनाते हैं हम लोग। तो सर्कल का जो सेंटर है 4,0 पर है, यहाँ पर 4 मान लो, ठीक है, यहाँ से 4 की रेडियस है और रेडियस भी 4 की है, तो ये 4 लेंथ हो गई, तो इसी रेडियस के हिसाब से आपका सर्कल बन जाएगा। थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, ये 4 रेडियस हो गए इसके, ठीक है। फिर पैराबोला बना लेते हैं हम लोग, y की x की पावर 1 है, तो इसी के अबाउट सिमेट्रिक, तो ये पैराबोला बन जाएगा अपना,
ये बन गया पैराबोला। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है तो क्लियरली दिख रहा है ये ऊपर का सारा और नीचे का सारा। ठीक है, अब उसी चीज को कर लेते हैं तो मतलब ये सिमेट्रिक है, ऊपर का निकाल लेते हैं और नीचे का वो आ जाएगा। सॉरी, हमें ऊपर ऊपर का ही निकालना है, ये निकालना ही नहीं है। उसने बोला था अबाउ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया में निकालना है। तो इसी को थोड़ा सा सही से मैं बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसा सा है कि आपके पास ऐसा है, देन उसके बाद यहाँ से ऐसा है, ऐसे बना के दे रखा है आप लोगों को कि भाई ये पैराबोला का पार्ट इतना है, देन उसके बाद यहाँ से कहीं से कट होते हुए आ रहा है हमारे पास सर्कल का पार्ट, यहीं कहीं से आ रहा है सर्कल का पार्ट। ठीक है ना, तो यस तो हम बोलेंगे जीरो से लेके यहाँ तक, जीरो से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पॉइंट कितना है, तो ये चार है, ये चार हो जाएगा तो ये 8.0 हो जाएगा। तो जीरो से फोर, ये पॉइंट फोर है हमारा, हमने सॉल्व कर लिया था यहाँ पर देख सकते हो, और फिर फोर से लेके एट तक सर्कल के अंदर। तो एरिया क्या आ जाएगा बेटा, तो एरिया आप अगर आप निकालते हो तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो एरिया इज इक्वल टू आएगा कितना, जीरो से लेके चार, ये किसके नीचे है आपका पैराबोला, कितना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू रूट एक्स। तो पैराबोला लिख देता हूँ फिर भी मैं यहाँ पर ताकि आपको पता रहे, डी एक्स, फिर फोर से लेके, फोर से लेके सर्कल, फोर से लेके एट सर्कल के अंदर में। तो सॉल्व कर लेते हैं, सर्कल की भी इक्वेशन आप निकाल ही सकते हो, ये रहा आपके सामने, तो हम लोग निकाल लेंगे वाई वहाँ से, अच्छे से निकाल लेंगे इस चीज़ को भी, देख लेंगे। ठीक है, तो यस, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ आप लोगों का, आपके सर्कल की इक्वेशन क्या कितनी है बेटा, तो x माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर। तो y आपका आ जाएगा अंडर रूट में, प्लस माइनस आएगा पर हमें प्लस से मतलब है, x माइनस फोर का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, बाकी तो सॉल्यूशन हमने कर ही रखे हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन का। तो ये आ जाएगा टू रूट एक्स जीरो से फोर डी एक्स प्लस फोर से एट फोर माइनस एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन में थ्री बाई टू जीरो से लेके फोर और ये ट्वाइस प्लस, ठीक है, इस पूरे का भी ट्वाइस हो जाता है अगर वो एक्स एक्सिस नहीं बोलता अबाउ द एक्सिस, तो ये नीचे और ऊपर का डबल होता हमारा पूरा आंसर जो भी आता। ठीक है, पर अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर वाला ले रहे हैं ये वाला। ठीक है, आ जाओ जरा, तो फोर से लेके इसका इंटीग्रेशन एक्स बाय टू अंडर रूट में ये पूरा फोर माइनस एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस, आ जाओ बेटा, प्लस ए स्क्वायर मतलब फोर स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और ये आपका आ जाएगा फोर से एट। अब इसको सोल्व करना है बस आपको, तो सोल्व थोड़ा बहुत हम लोग कर ही लेते हैं, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, चलो, तो इसमें फोर पुट करा मैंने, तो टू इंटू फोर की पावर थ्री बाय टू बटे में थ्री, ठीक है ना, ये ट्वाइस भी है, माइनस जीरो, जीरो लिख रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस, आ जाओ एक बार एट पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ एट पुट करा मैंने, देखो बेटा एट माइनस फोर बाय टू, ठीक है, और यहाँ एट पुट करूँगा अंडर रूट में फोर का स्क्वायर एट माइनस फोर का स्क्वायर, चलो प्लस फोर, ये इसको इससे काटोगे अगर आप 16 से, तो यहाँ पर 8 बचेगा, वो लिख रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स ऑफ 8 माइनस फोर बाय फोर, वन बाय टू बचेगा यार। ठीक है, अब माइनस में लिख देते हैं, अब माइनस में क्या आ रहा है, 4 रखो यहाँ पर, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस ये 8 है, ठीक है ना, इसको इससे काटोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 4 माइनस फोर बाय फोर ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म जीरो हो गई और ये टर्म भी जीरो हो गई, तो साइन जीरो जीरो ही होता है, ये पूरी टर्म जीरो, इधर से ये 4 होगा, 4 में से 4 गया तो ये टर्म जीरो, तो सिर्फ ये टर्म बचेगी और इधर ये बचेगी। तो जरा देख लेते हैं इसको और अच्छे से कैलकुलेट करके बेटा, तो देखो कितना आया, 2 इंटू 4 की पावर 3 बाय 2 है, देखो यहाँ पर 4 की पावर 3 बाय 2 है, तो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3 बाय 2 लिखा डिवाइडेड बाय 3, ये इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ से, ये कटेगा इससे जैसे,
प्लस, और इधर क्या बचा आपके पास, 8 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2। भाई ये 8 में से 4 गया, नहीं सॉरी 1 बचेगा, 1 बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 1, ये आपके पास बचेगा। अब इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, 8 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 2 पर, तो ये आ जाएगा, इसको इससे काट दो 4 पाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 पाई, और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप चेक कर सकते हो। We'll be right back.